नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं सहारनपुर के अंदर डॉक्टर अनिल त्यागी जी के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेमन और यहाँ पे जो अमरूद है उसकी खेती की गई है, लेकिन ये कोई नॉर्मल खेती नहीं है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी और हाई डेंसिटी, कहने का मतलब कि 5-5 फीट पर पेड़ लगाए गए हैं। ये कुछ एक नई चीज़ है, शायद आपने पहले ना देखा हो बागवानी के अंदर। इसमें हम अनिल त्यागी जी से जानकारी लेंगे कि ये क्या है असल में, क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगा या कितनी कमाई हो सकती है या क्या क्या दिक्कतें होती है। आइए बात करते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले एक परिचय आप दे दीजिए जो हमारे किसान भाई सामने से देख रहे हैं अपना। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी है और मैं वर्तमान में DRDO में साइंटिस्ट हूँ, देहरादून में पोस्टिंग है और 30 सितंबर को मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो इसमें सर आपने ये कब शुरू किया, आइए चलिए अंदर ही चल लेते हैं, एक बार अंदर से ही देख लेते हैं कैसे काम हो रहा है। सर यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें प्लांट की हुई है? यहाँ पर मैंने जो बेसिकली है दो चीज़ें हैं, एक ये अमरूद है, गुआवा जो आप देख रहे हैं, ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे है, 8x5 फीट पे लगाया है मैंने। और दूसरा मेरा सिट्रस है, यानी कि नींबू वर्गीय जो है उसमें दो है, एक नींबू है और एक लेमन है, तो लाइम जिसे बोलते हैं वो है और एक लेमन है, वो लगाए हैं। और इसके अलावा जो ज़मीन थोड़ी है धान भी लगाता हूँ, बीच में मैंने मक्का भी लगाई थी और अभी एक नीचे थोड़ी ज़मीन है उसमें मैं बेबी कॉर्न लगाऊंगा। और जो ये मेरा खेत देख रहे हैं आप, ये जो 10x10 पे मैंने हाई डेंसिटी में लगाया है, अभी 25 जून को इसकी प्लांटेशन की थी, तो इसमें मैं अभी चने लगाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा हटकर करता हूँ किसी भी चीज़ को, जो लीक से हटके। बेसिकली आइडिया ये है कि मेरे को ऐसी फसल लगानी है जो पौधों को नुकसान ना हो, पौधों से ऊपर ना जाए, और उनसे जितने भी तत्व पौधों को चाहिए वो पैदा करें। जैसे चना है वो नाइट्रोजन पैदा करेगा, मटर में लगाऊंगा वो नाइट्रोजन पैदा करेगा, तो मैं इस प्रकार के पौधे लगाता हूँ। या गर्मियों में जैसे मैंने थोड़ा सा मक्का लगाई थी चारों तरफ से, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी बाहर से कीट विकीट आते हैं उनको रोकने में थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार से मैं करता हूँ। तो सर इसमें आपने कहा कि लाइम और लेमन, पहले तो आप एक बार अमरूद की नहीं, पहले लाइम और लेमन ही देख लेते हैं। सर इसमें लाइम और लेमन में आप हमें अंतर बताइए थोड़ा सा, कि लाइम असल क्या होता है, लेमन क्या होता है? ये देखिए, एक ये पौधा है, आप इसको दिखाइए पूरा, ये जो ये देखिए एक ये पौधा है। अच्छा, और एक ये लाइन है, तो अच्छा, ये जो पूरी लाइन है ये लाइम की है, नींबू जिसे बोलते हैं, हिंदी में इसको नींबू ही कहते हैं। अच्छा, और अंग्रेजी में इसको लाइम और लेमन बोलते हैं। अच्छा, तो दोनों को लाइम और लेमन को नींबू ही बोलेंगे, नींबू हिंदी में नींबू ही बोलेंगे। जैसे कि एक वो हमारे खुशवंत सिंह जी थे, वो कहते थे कि हिंदी भी क्या भाषा है जिसमें माइस को भी चूहा बोलते हैं और रैट को भी चूहा बोलते हैं। तो उसी प्रकार इसे हिंदी में नींबू बोलते हैं और इंग्लिश में लाइम और लेमन बोलते हैं। अब इस पौधे को देखिए कि इस पौधे में कांटे होते हैं। सबसे पहले नींबू की पहचान ये होती है, कांटे होते हैं। और मैंने पहले भी एक बताया हुआ है इनको कि कांटों की वजह से इसमें गुट्टी नहीं बन सकती। ये गुट्टी से नहीं हो सकता, मतलब कि जो एयर लेयरिंग होती है उससे नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता। कांटे की वजह से कैसे करोगे आप जो? अच्छा, तो ये बीज से पैदा होता है, और या आपको ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी इसकी जो है ना। अच्छा, या तो ग्राफ्टिंग होगी या उससे होगा, बीज से होगा, या आप इसका क्लोन बना सकते हैं। क्लोन, और हाँ, ये वाला जो है, और ये जो है ना, ये देखिए इसमें कोई भी आप किसी पे कर दीजिए, कुछ भी हाथ हाथ घुमा लीजिए, कोई भी कांटा नहीं है, इसके पत्ते बड़े हैं, ये एक तरह से इसका झुकाव फैलाव होता है इसका। आप देखिए दोनों की उम्र इनकी लगभग 14 माह है, लेकिन आप देखिए कि दोनों में कितना अंतर, मतलब कि इसकी और इनकी उम्र सेम ही है, दोनों सेम ही है। इसमें जल्दी आ जाते हैं। एक लाइम का और होता है कि नींबू जो ये लाइम होता है वो 40 ग्राम से कभी बड़ा नहीं हो सकता, और जो लेमन है वो 40 ग्राम से छोटा नहीं होगा। नींबू में 6 से कम बीज नहीं हो सकते, कम से कम 6 बीज होंगे, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 6 से कम नहीं होंगे। इसमें कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसमें 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं। इसकी प्रवृत्ति खट्टी होती है, इसकी थोड़ी मीठी होती है, ये अचार के लिए होता है, ये कागजी होता है, इसका छिलका जो लेमन का है थोड़ा बड़ा होता है। इस तरह से बहुत सारे हैं जो मैंने बताए हैं, ये मैंने पहली बार इसको डिस्क्लोज किया था और बहुत लोगों ने पसंद किया था कि नींबू और नहीं ये बहुत अच्छी जानकारी, शायद ऐसी कोई जानकारी ना दे पाए, लाइम और लेमन में अंतर बहुत बेहतरीन दिया। अब सर
गवाह की तरफ चलते हैं, आइए हमारे इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी भाई अगर लाइम और लेमन को लगाएगा, जैसे मैंने हाई डेंसिटी पर लगाए, वो मत लगाएं। इसमें दूरी कम से कम 15x15 फीट से कम मत रखिएगा, कोई मत रखिएगा। इसके अंदर नींबू के अंदर, नींबू के अंदर 15x15 से रखने, क्योंकि मुझे ये पौधे बीच में से हटाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों सर, वो हमें बता दीजिए। इसके अंदर इसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा फैलाव होगा उतनी ही आपकी इनकम जो है ना ज्यादा आएगी इसमें। अच्छा अच्छा। और अगर आप कटिंग करते रहे तो उतना ही नींबू कम आएगा और उससे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कि पौधे की नेचुरल प्रवृत्ति होती है ना, उसको नहीं आप कंट्रोल कर सकते। तो इसके अंदर नहीं करना आपको दोनों नींबू, लाइम और लेमन में, लेमन के नहीं करना। ये कम से कम 15 अच्छा। फीट की दूरी। और जो इसमें ये लाइम थे, इसमें देखिए जैसे मैंने बीच में से यहाँ से निकलवा दिया है। अच्छा, अच्छा, तो मेरे पास कुछ लोग आते हैं पेड़ पौधे ले जाने, तो मैं बीच में से धीरे धीरे निकाल के उन्हें थैली में लगवा लेता हूँ, और फिर जो आते हैं तो वो ले जाते हैं, उनको बेच देता हूँ मैं इसको करने के लिए। और इस वाले में कर सकते हैं आप? नहीं, इसको भी हटाऊंगा, इसको भी हटाऊंगा। मतलब कि दोनों में हटाना है इनमें नींबू में, कहने का मतलब कि 15 फीट तो डिस्टेंस होना चाहिए। इसमें हाई डेंसिटी नहीं चलेगी बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर कोई कहता है तो वो झूठ है बिल्कुल जो है ना। और इसमें क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपनी नर्सरी बेचने के लिए, पौध बेचने के लिए, पौध बेचने के लिए करते हैं वो, दिग्भ्रमित करते हैं लोग, किसानों को बिल्कुल मत आए। तो सर हमें गवावा का जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है वो दिखा दीजिए, आइए उसके बारे में बताइए। चलिए ये देखिए, ये जो पेड़ है मेरा, ये उसका ललित है, और इसमें कुछ पेड़ जो है ना, जैसे ये देखिए ये पेड़ जो है ना, ये बर्फ़ खान है, इस पर कोई अमरूद नहीं है इस टाइम। और एक ये पेड़ देखिए, ये छोटा पेड़ है, ये VNR या जिसे थाई 1 KG कहते हैं वो है। अच्छा। आप छोटा सा पेड़ है, ये फरवरी में लगाया था। अच्छा। ये क्यों लगाया था कि मेरे कुछ पेड़ ख़राब हो गए थे। अच्छा। तो इनकी जो अनार की ग्राफ्टिंग के थे जो इस तरह से जुड़ती है। अच्छा। तो उनकी पन्नी नहीं हटाई थी मैंने। अच्छा। और उसकी वजह से वो ख़राब हो गए थे, मैं अभी दिखाऊंगा, गांठे पड़ गई थी। अच्छा। और वो पेड़ मुझे बदलने पड़े थे। तो ये फरवरी का पेड़ है, देखिए कितनी फ्रूटिंग आई हुई है इस पर, ये देखिए ये कितनी फ्रूटिंग है। ये सिर्फ 6 माह का पेड़ है, तो आप देखिए कितनी टोटल कितनी वैरायटीज है सर यहाँ पे अभी इस वाले में? इसमें 4 वैरायटी हैं, मैंने 3 वैरायटी मंगाई थी। अच्छा। ललित, जी विलास और L49। अच्छा। लेकिन ललित में बर्फ़ खान के भी कुछ पेड़ आ गए। अच्छा। अब मैं उसका कुछ नहीं कर सका, उसने भी बेचारे ने माफ़ी मांग ली, तो उसने मेरे को ये पेड़ जो है ना 200 पेड़ और दिए थे। अच्छा। ये फ्री में ही दिए थे। अच्छा। कि सर आप इनको ट्राई करिए और ये देखिए इसमें। तो सर इसमें अभी तक आपको सबसे अच्छा पेड़ जो चल रहा है वो कौन सा लगा इनमें? देखिए अभी आज 24 तारीख है, आज 14 महीने 2 दिन के ये पेड़ हुए हैं मेरा। अच्छा। ये जो बाग है 14 महीने 2 दिन का, तो मैंने अभी तक कोई फसल नहीं ली है और न इन पे कोई भी फल रोका नहीं। फसल से अलग चलने में जैसे आपको दिखा कि भाई ज्यादा, भाई आदमी को तो अपने बच्चे सभी अच्छे लगते हैं, तो सारे ही अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो फ्रूटिंग के मामले में है ये ललित बहुत अच्छा मेरे को लगा। अच्छा, अच्छा। ये फ्रूटिंग देखिए इसमें कि आनी शुरू हो गई है, मतलब इसकी 3-4 जून को कटिंग की थी। अच्छा। और आज मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसकी जो टिप्स हैं, ये जो ऊपर की टिप्स हैं, तो इसको तोड़ देता हूँ। जैसे ये टिप्स है इसको तोड़ दूंगा, इसका कारण है कि जैसे ये अमरूद आया हुआ है इस पर, जब मैं टिप्स तोड़ दूंगा इसको, तो इसकी एनर्जी बढ़ने की बजाय यहाँ से दूसरी कोपले निकलेंगी और इस अमरूद में जाएगी और अमरूद अच्छा होगा। अच्छा। दूसरा एक ये काम है, जैसे देखिए छोटे से में इसमें 4 अमरूद हैं, तो मैं इनको नहीं रहने दूंगा और इसको एक ही अमरूद छोड़ूंगा इस पर, तो ये अमरूद मोटा होगा। तो कहते हैं ना कि कितना मोटा अमरूद लगता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्रकार मैनेज करते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा फ्रूटिंग होगी और ज़्यादा वो पतला रहेगा। पतला, क्योंकि खाना तो एक लिमिट है ना पौधे के पास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उस लिमिट से अगर कम रखेंगे तो बड़े हो जाएंगे आपके, और ज़्यादा रखेंगे तो कम हो जाएंगे, ये आपके हाथ में। तो सर इसमें हाई डेंसिटी में मुझे आप एक और चीज़ बताइए कि जैसे प्रूनिंग का है, जो कटाई छटाई करते रहे, क्या वो जो कोई भी सामने से किसान भाई है उसने कर लिया हाई डेंसिटी पे लगा दिया, तो आप उसे क्या सलाह देंगे कि प्रूनिंग वो कर सकता है या उसे कहीं से सीखना पड़ेगा या कैसे, क्या बात वो बताइए सर। देखिए मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है, मैं सभी किसान भाइयों को ये कहूँगा, कोई भी किसान भाई अल्ट्रा हाई डेंसिटी न लगाए। अगर वो हाई डेंसिटी लगाना चाहता है तो हाई डेंसिटी शुरू होती है 10x10 फीट से, तो 10x10 फीट पर लगाए। और वे किसान भाई लगाएं जो फुल टाइम उसमें काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रूनिंग बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि पौधे की हम इसे 7-8 फीट से ऊपर नहीं जाने देना चाहते पौधे को। और इसकी प्रूनिंग करते हुए ही एक पेड़ से ज़्यादा 10 किलो का आप जो है ना अमरूद ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा,
ये जैसे पाँच पे है, ये पौधा कभी भी 10 किलो से ज़्यादा अमरूद नहीं दे सकता। अगर 10 दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। लेकिन जब आप नर्सरी वाले के पास जाएंगे तो वो कहेगा जी पहले साल 10 किलो मिलेंगे, अगले साल 20 किलो मिलेंगे, और आप जैसे मेरे इस बाग में 1500 पेड़ हैं तो 1500 × 10 तो आप लगाएंगे 15,000 हो गए, और अगले साल फिर 30,000 हो गए, और इतने लाख का होगा। ये सब भ्रमित है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे एक पौधे में 10 किलो से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। मतलब कि निकलने का ही नहीं है इतना। आप देखिए ना पौधे की, देखें ना कितना निकलेगा इसमें से। आप देखिए कितनी फ्रूटिंग आई हुई है इस पर, इस पे ये देखिए इस पर जो आई हुई है, तो कितना निकल जाएगा। आप अगर हर डाल पे भी 2 अमरूद आप रोकेंगे, चलो 4 भी रोकेंगे, तो 20 अमरूद हो गए, तो आपके कितना हो गया, 10 किलो होगा ज़्यादा। ये तो बहुत छोटा पौधा है अभी। तो इसके अगली बार ये इतना बड़ा हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हम इसको होने देंगे। तो जब इतना बड़ा रखेंगे तो कैसे ले लेंगे। और इसमें दूसरी बात जो आपने मेन बताई कि जो किसान भाई कर रहे हैं अल्ट्रा हाइडेंसिटी, अगर कोई किसान भाई भी कर सकता है, लेकिन अगर मेहनत इसमें भरपूर, सर बता रहे हैं कि हर दिन इसमें मेहनत है। देखिए एक बड़ा सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अगर आप 20x20 पे लगाते हैं तो आपको एक बीघे में, जो हमारे यहाँ होता है 84 फीट x84 फीट का एक बीघा होता है, तो एक बीघे में आपको 16 पेड़ लगेंगे। अगर आप उनको 10x10 पे करते हैं तो आपके कितने हो गए, 32 पेड़ हो गए। अब चलिए मान लीजिए 16 पेड़ में कितने कॉस्ट लगी, अगर उनको आप 10x5 पे ले आएंगे तो उनके 70 पेड़ हो जाएंगे। अब 16 पेड़ में कितनी कोस्ट लगेगी, 70 में करेंगे पेड़ की कोस्ट जीनी है जो आपने लगाई, गड्ढा खुदाई का लगी है, लेबर की कोस्ट लगी है, फिर आपको हाथ से निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तो आप पहले 2 वर्ष में किसी को दे चुके, तो वो पैसे जोड़िए, उसका इंटरेस्ट जोड़िए, फिर आने वाली इनकम जाड़िए, तब हिसाब लगाइए कि क्या होता। ये नहीं कि आप किसी नर्सरी वाले के पास गए, उसने गुनाह करी जो मैंने बताया है और कहा जी आपको इतने का फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से बागवानी में ट्रेडिशनल खेती से अधिक फायदा है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। अब सर इसमें बात कर लेते हैं और दूसरी चीज़ों की। अल्ट्रा हाइडेंसिटी के अंदर आपने बताया प्रूनिंग की दिक्कत है, कुछ यहाँ पे पेड़ हमें आपने जो बताया था, एक वो नीचे का पन्नी वाला बता रहे थे। हाँ ये देखिए मैं आपको पन्नी वाला बताइए कि पन्नी जो है उसमें लोग बाग जानना चाहते हैं कि वो कैसे मर रहे थे या क्या दिक्कत थी। ये देखिए ये पेड़ देखिए, इन दोनों पेड़ों को दिखाइए, देखिए ये पीला है और ये पेड़ कितना स्वस्थ है, ये देखिए इसमें, और ये छोटा सा पेड़ देखिए इस पर कितनी फ्रूटिंग आई हुई है। अब देखिए ये ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये जो अनारकी वाली आपकी ग्राफ्टिंग थी इस तरह की, एक बार सर अनारकी बता दीजिए कि कौन सी ग्राफ्टिंग। हाँ होती है। तो जो जैसे ये एक बीजू पौधा होता है उसको काट देते हैं, उसमें एक चीरा लगाते हैं इस तरह से कलम की तरह, जैसे हम कलम लिख बनाते थे ना जब प्राइमरी में पढ़ते थे, और ये ऊपर से जिस पौधे का बनाना होता है उसकी होती है, तो दोनों को इस तरह से जोड़ते हैं जैसे मैंने उंगली जोड़ी, और ऐसे पन्नी बांध देते हैं। तो ये देखिए, तो मैंने इसमें ये जो यहाँ पर बनी हुई थी इसकी पन्नी नहीं खोलना भूल गया, तो मेरे पौधों में पन्नी घुस गई। अब इसमें भी अंदर मैंने हालांकि कोशिश करी निकलवाने की, पौधा स्वस्थ लग रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये देखिए ये खराब है, तो पन्नी कहीं ना कहीं घुसी हुई है इसमें अंदर। मतलब तो जो भी वो बांधते हैं पन्नी या धागा वो निकाल दें वो एक समय पे 30 से 45 दिन के बाद। मेरी कुछ किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं पौधा रोपण या 2 साल तक क्या देखभाल करती है, मेरी वेबसाइट है amazingkisan.com, तो उस पर मैं अपना सारा अनुभव लिखता हूँ और पिक्चर्स की साथ में फ़ोटो के साथ में लिखता हूँ। तो आप उस पर जाएं, मेरे पब्लिकेशंस हैं 4, तो उसमें 2 अमरूद, 4 अमरूद के ऊपर हैं और कुछ नींबू के ऊपर हैं, लेख लिखता रहता हूँ। तो इस तरह से आप देखें उसमें सारी जानकारी मैंने दी है। अच्छा अच्छा, तो सर अभी और हमें एक उधर भी आ जाइए हाई डेंसिटी में देख लेते हैं। हाई डेंसिटी किसान भाइयों देखते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी तो ये 8x5 हो गया, अब जो हाई डेंसिटी है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, उसके अंदर क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या जो एक नॉर्मल विधि है जो लंबी दूर पे लगाया जाता है पौधा उससे बेनिफिट है नहीं है वो देखते हैं। चलिए तो सर ये यहाँ पे है हाई डेंसिटी, पीछे था अल्ट्रा हाई डेंसिटी, इस वाले को आपने, ये नई पौध है ये आपने नया लगाया, आपने अल्ट्रा हाई डेंसिटी ही क्यों नहीं किया इसके अंदर। देखिए मैं बताऊंगा कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंने इसलिए नहीं किया कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है शुरू में करने में। मेरे जैसे आदमी से मैंने बताया कि 8 लाख रुपए लगा चुका तब भी उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। उसको मैंने पहले 2 गलतियाँ हुई उसमें कि मैंने उसको ऑर्गेनिक करने की सोचा था,
लेकिन कुछ पन्नी की वजह से और कुछ दोनों तरफ नींबू होने की वजह से मेरा वो उसमें प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो मुझे उसमें केमिकल का जो फर्टिलाइज़र का यूज करना पड़ा। इस खेत में पहले एलोवेरा था एक साल का, और एक साल एलोवेरा बनाने के बाद में मैंने उसको इसमें बुहाई करवा दी थी। ये बहुत जानदार खेत है और इसका मैं पूर्ण रूप से इसको जैविक उगाऊंगा। तो अब की बार मैंने जो गलतियां उससे हुई थी, मैंने इसमें वेज ग्राफ्टिंग वाली या वीनियर ग्राफ्टिंग वाली, जो इस तरह से ग्राफ्टिंग होती है, उसके पौधे मंगाए थे, बनारस से मंगाए थे। तो सर इसमें ग्राफ्टिंग का यंत्र बता दीजिए आप, ग्राफ्टिंग में फर्क ही क्या पड़ता है, कोई सी भी ग्राफ्टिंग ले लो। देखिए जो कहते हैं ना कि ग्राफ्टिंग बढ़िया जो है ना, ये वेज ग्राफ्टिंग वाली ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा। क्योंकि पौधा जितना छोटा होगा उतना बढ़िया होता है आपका। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। लेकिन वेज ग्राफ्टिंग इसलिए नहीं बनाते कि इसका सक्सेस रेट 70% होता है, इसका पौधा कम मिलता है। ये आपको 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा या 40 रुपये से, वो आपको 15 रुपये का भी पौधा मिल जाएगा, 20 का भी मिल जाएगा पौधा। लेकिन पौधे में सबसे बड़ी जो खेल होता है वो क्या होता है कि आप नर्सरी में, मैंने बताया भैया पहले भी, ध्यान रखिए कि जमीन से ज़्यादा 8 इंच पर ग्राफ्टिंग होनी चाहिए मैक्सिमम। अच्छा। अगर 8 कुछ की देखे, 1.5 फीट पे, मेरे कुछ भाई हैं मेरे को भेजते रहते हैं, फ़ोटो भेजते रहे, किसी की 2 फीट पे, किसी की 1.5 फीट पे, किसी की 1 फीट पे, वो बहुत नुकसानदायक होती है। उसमें से मतलब कि नीचे से भी कलम निकलनी शुरू हो जाएगी, मेन नीचे से भी हो जाएगी, अननेसेसरी मतलब बहुत ज़्यादा आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। और जो हम पौधे को आकार देते हैं, पहली कटिंग हमारी 2 फीट पे होती है पौधे को आकार देने की, जो हाई डेंसिटी में आपको करनी पड़ेगी। तो पहली कटिंग है, जैसे ये देखिए ये मेरा पौधा है, तो जब ये 2.5 फीट का हो जाएगा तो मैं इसे 2 फीट पर इसको ऊपर से तोड़ दूंगा। ऊपर से जब तोड़ दूंगा तो ये देखो इसमें 1, 2, 3 ऐसे शाखाएं निकलेंगी। तो नीचे से 1.5 फीट के बाद में मुझे चारों शाखाएं चारों तरफ को चलानी है, 4 बनेंगी, फिर 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16, तो मेरी एक बहुत अच्छा छत्रक जिसे बोलते हैं कैनोपी बनेगी उसमें। लेकिन अगर मेरी ग्राफ्टिंग ही 1.5 फीट पर होगी तो मुझे 2.5 फीट पर, तो जब हवा आएगी तो पौधा जो है ना इतना मोटा नहीं हो सकेगा और वो गिर जाएगा और वो टूटने का खतरा रहता है उसमें। तो मतलब कि ग्राफ्टिंग ये जो है, जो नीचे रूट स्टॉक होता है उसके ऊपर जो पौध लगाई वो लगा जाता है, नया जो प्लांट होता है 6 इंच पे होना चाहिए। अब सर इसमें आपने सारी 6 इंच से 8 इंच तक आप देखें मेरे सारे पौधों में लगभग एक सी लंबाई है, एक सी कटिंग है इनमें। ये 25 जून को प्लांटेशन की थी मैंने और बारिश बहुत हुई है। आज इसमें मैं थोड़ी सी वो मेटारीजियम एनेसेपोली है वो लगवाऊंगा, फंगस होती है जो जैविक के में यूज करते हैं, तो उसको लगाऊंगा। अभी ये देखिए ये थोड़ी इसकी खुदाई कर रहे हैं तो उसकी तैयारी चल रही है ये करने के लिए। अब सर इसमें वो वाला और दिखा देते हैं आपको, जो पन्नी वाला सर बता रहे थे, इधर एक बार जूम कर लीजिए। ये असल में ये वाली पन्नी है जो इस पर लग के आती है, इसके ऊपर पन्नी लगाई जाती है जब इसे ग्राफ्टिंग की जाती है। तो 30 दिन के बाद आप पौधा रोपण के 30 दिन के बाद इसका इंस्पेक्शन करें और मैक्सिमम 45 दिन तक ये जुड़ जाती है, और उस टाइम इसको पन्नी को आप एक हल्का सा ब्लेड लेकर ये काट कर ये हटा दें, तो फिर आपका पौधा ये फूलना शुरू हो जाता है। नहीं तो पौधा फूलना शुरू होगा और जो गांठ बंधी हुई है वो उसके अंदर चली जाएगी। देखिए पौधे में 2 जगह से भोजन मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। एक आता है जड़ से, जो आप अगर इस पौधे को छीलेंगे तो ये जो ऊपर है इसकी जो फलक है, जो छिलका है, और इसके अंदर एक डंडी है, तो जमीन से जो भोजन आता है वो उस डंडी में से चलता हुआ उसमें छेद होता है, ऊपर की तरफ को जाता है। और जो ऊपर से ये फोटोसिंथेसिस से जो बनता है, जो ऊपर से पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है, वो ऊपर से नीचे इस तने के द्वारा, ये जो छिलका है इसमें से होकर गुजरता है। अगर पन्नी लग गई तो ऊपर का भोजन नीचे नहीं जाएगा और नीचे का भोजन ऊपर नहीं आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर गांठ बन जाएगी और आपका पौधा जो है ना खराब हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी वैरायटीज है सर इस वाले में आप? इसमें मेरी 5 वैरायटी हैं, जो इधर की 5 लाइनें हैं वो अलाहाबादी सफ़ेदा है। अच्छा। इसके बाद जो फिर मेरी 3 लाइनें हैं वो मेरी वो है, क्या बोलते हैं, ताइवान पिंक है। अच्छा। और फिर 5 लाइनें धवल की हैं, फिर 2 लाइनें VNR या वो थाई 1 kg है, और उसके बाद 5 लाइनें श्वेता की हैं। टोटल करके 20 लाइनें हैं मेरी, 240 पेड़ हैं। सर इसमें एक और चीज़ बताइए, जो हमारे पास बहुत से भाइयों के फ़ोन भी आते हैं, सबसे बड़ी जो उन्हें परेशानी होती है कि बढ़ता पौधा 2 या 3 साल में, दो साल में तो फ्रूट देना शुरू करेगा। नर्सरी वाले क्या काम करते हैं कि कोई सी भी वैरायटी उन्हें पकड़ा देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन्हें रूट स्टॉक ही पकड़ा देते हैं बिना ग्राफ्टिंग के।
वो कैसे पता करें कि नर्सरी वाले उनके साथ धोखा ना करें, या कौन सा प्लांट है, क्या पहले पता कर सकता है आदमी कि कौन सी, वो बताइए उसके बारे में। देखिए, आप नर्सरी को तीन भागों में डिवाइड करिए। पहला वो नर्सरी जिनके पास मदर प्लांट अपने हैं, तो ये देखिए कि ये जो नर्सरी खुद बना रहा है या कहीं से लाकर बेच रहा है। तो अगर इसके पास अपने प्लांट हैं तो उनसे जो बनाता है उस प्लांट को बोलते हैं मदर प्लांट। तो अगर वो अपने आप बना रहा है तो वो पहला नंबर उस नर्सरी से लेना चाहिए कि वो अपने आप बना रहा है, वहाँ से आपको धोखा नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इस पेड़ पर ऐसा पेड़ होगा, ऐसा अमरूद आएगा, ये देख सकते हैं। दूसरी चीज़ में है कि अगर कोई कहीं से ला रहा है तो वो NHB सर्टिफाइड हो या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, वैसे मैं तो उसे भी ज़्यादा प्रीफर नहीं करता कि इतनी हो। और तीसरी, फिर आप जो है ना कहीं से भी ले लें, जो आजकल ये जो बागवानी विभाग वाले हैं, सरकार है, वो बांटती रहती है 5-5 रुपए में, वो लेकर लगा लीजिए, पर फिर फसल तो ऐसी होगी जैसा गुड़ डालेंगे। तो प्रीफर ये करिए। उसमें भी ये ध्यान रखिए कि जिस आदमी के पास पौधे हैं वो उस पौधे की उम्र जिससे ये बनाई गई है कम से कम 2.5 से 3 वर्ष होनी चाहिए। अगर 1 साल का पौधे से आप कोई कहेगा मैं ग्राफ्टिंग बनाता हूँ तो वो झूठ है, वो बिल्कुल नहीं चल सकता। ये ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। पौधे की ग्राफ्टिंग देखिए कितनी ऊंचाई पर है, पौधा कितना बड़ा है। 2 फीट से ज़्यादा, मैक्सिमम 2.5 फीट से बड़ा पौधा मत लीजिए। तो 2 फीट अच्छा होता है। ग्राफ्टिंग 6 इंच से 8 इंच पर हुई हुई हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 फीट। आप कह रहे हैं कि 2 फीट का पौधा कम होना चाहिए। मैं अगर 1.5 फीट से दो अगर बड़ा पौधा लगा दे 5-6 फीट का, उसमें दिक्कत क्या है वो बताइए हमारे किसान भाइयों को। बड़े पौधे में एक तो आपको ये पता नहीं चलेगा जो पन्नी होगी वो नहीं होगी लगी हुई, चूंकि उसकी पन्नी कट चुकी होगी, उसको जो है ना क्या होगा। दूसरा, जब बड़े पौधे को होगी तो वो पतला होगा तो उसको आपको सपोर्ट बहुत चाहिए, और उसकी जो छत्रक बनेगा वो नहीं बन सकेगा आपको। इसमें हाई डेंसिटी वगैरह में नहीं चलेगा वो। अच्छा। हाँ, तो मैंने अक्सर देखा है, अभी मेरे कुछ किसान भाई हैं वो फोटो भेजते रहते हैं, तो जो पौधे बड़े लाए हैं वो सूख ही जाते हैं, बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं। सर, अब इसमें आपने ड्रिप भी किया हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए कि क्या ड्रिप ज़रूरी है, बिना ड्रिप के हम नहीं कर सकते कैसे? हाँ, ड्रिप में एक बात सबसे बड़ी खास बात होती है कि एक वर्ड होता है फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन में क्या होता है कि ड्रिप के थ्रू या उसकी जड़ों में हमें पानी देता है, एक ड्रिंचिंग, जैसे ड्रिंचिंग बोलते हैं, तो जड़ों में उसके चारों तरफ पानी देते हैं। अगर आप मैन्युअली देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और वो जो खाद है, जो भी दवाई डालते हैं आप या खाद डालते हैं, वो बहुत तेज़ी से लगता है। तो ड्रिप में 2 फायदे सबसे बड़े होते हैं। एक तो जैसे ये ड्रिप है तो इसे मैंने डाल दिया, ये इसी लाइन में, इसकी हर फिट पे, इसके इनलाइन सिस्टम है ये, हर फिट पे इसके पानी निकलेगा, तो इसी लाइन में पानी रहेगा। जो बीच में है वहाँ पर नहीं जाएगा, और जब वहाँ पर पानी नहीं जाएगा तो खरपतवार नहीं होगी, मेरे को निराई उड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और या मैं ऐसी फसल लगा सकता हूँ जिसे पानी की ज़रूरत ना हो। जैसे मुझे उड़द लगाने हैं, चना लगाना है, मटर लगानी है, उसे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, सर ने, अनिल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी अल्ट्रा हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी के बारे में भी। बागवानी के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, ये नहीं है कि आप ऐसे ही कर लिया, इतना आसान है, या क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, या कितना प्रॉफिट है। अनिल जी का एक YouTube चैनल भी है जिसपे वो किसान भाइयों को जो अमरूद किया वो कर रहे हैं डेली इनका, या 10-15 दिन में या हफ्ते में क्या क्या इसके अंदर ग्रोथ है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें बताते हैं, अमेजिंग किसान नाम से। और सर, अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल बताना चाहें किसान भाइयों को तो वो भी बता दीजिए। और किसान भाई, प्लीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप कॉल करें तो संडे या सैटरडे को करें, क्योंकि सर अभी बिजी रहते हैं और दिन, सर बता दीजिए। किसान भाइयों, मेरा एक चैनल है अमेजिंग किसान चैनल नाम से, जिस पर मैं जो भी कार्य करता हूँ उसकी डिटेल डालता हूँ। और एक मेरी वेबसाइट है amazingkisan.com, उसमें लगभग इस वक्त 315 के करीब किसान हैं जिन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं, तो उससे आप सीधे अपने आसपास के किसान ढूंढ सकते हैं कि अमरूद की खेती करने वाले आपके ज़िले में कौन लोग हैं, उनसे फ़ोन नंबर है, वहाँ देख सकते हैं, और आप भी जुड़ना चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं इससे करने के लिए। वहाँ पर मेरी सब डिटेल्स हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी है, मेरी ईमेल भी है, और हर मेरे बारे में हर चीज़ पता कर दी गई है। और एक हमारा अमेजिंग किसान टेलीग्राम पर ग्रुप है, पहले ये ग्रुप व्हाट्सएप पर था, पर हमारे 256 से ज़्यादा किसान हो गए थे, अब उसमें शायद 300 के आसपास किसान हैं और रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पर मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं किसान, तो आप कोई भी चीज़ पूछिए, आप इस पत्ते का फ़ोटो डाल दीजिए, जी मेरा पत्ता ऐसा क्यों हो रहा, तो 10 मिनट में कोई ना कोई आपकी हेल्प।
तो किसान भाइयों, ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।